हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 5.2 पे और क्वेश्चन नंबर है वन। क्या कहें, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। देखिए दी है 6 + 10 + 14 + 18, कहाँ तक कह रहा है, 18 पदों तक का योगफल। ठीक है, अब देखिए इसका प्रथम पद बात करते हैं श्रेणी के लिए। प्रथम पद यानी कि एक का मान 6 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं तो सार्वंतर यानी कि डी, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वह ए टू माइनस का ए वन, यानी कि हो जाएगा आपका 10 - 6 = 4। अच्छा, पदों की संख्या कितनी दी हुई है, पदों की संख्या 18 दी हुई है, एन का मान 18 दिया हुआ है। तो मैं एस एन निकालने के लिए कह रहा हूँ, एस एन इक्वल टू होता है ना एन बाई टू इंटू में 2a प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, यही ना होता है जी। तो एन की जगह पे है 18 बट्टा में 2, 2a के जगह पे है यहाँ पे 6 प्लस n के जगह पे 18 और माइनस का 1 और d का मान है यहाँ पर 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ये कट जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 गुना 6 गुना 12 और प्लस यहाँ 17 और गुना 4। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 गुना में 12 और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 17 में गुना हो जाएगा 4 से तो 68 आ जाएगा। तो 9 और गुना में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 720, गुना कर देंगे 9 से तो 720 योगफल आ गया। चलिए अब इसका